ना एक ही है भी जो दोषी ने उन्होंने सज़ा मिले तो दोषियों को बचाने वाले ने उन्होंने भी पछाण हो प्रोसैस मजाक किया जज ने कोई बहुत वड्डी उम्मीद नहीं लग रही जिस तरह का हुण तक जे सारे तुसी चीज़ वल निगाह मारो दो कमिशन बैठ गए दो सिटां बैठ गई उस तो बाद CBI की इनकुआरी अड हो गई पर तुसी दसो किसी नतीजे दे कोल पहुंची है देखो लोग जवाब मंगणगे ते जवाब देना पएगा परमात्मा की कचहरी है ना उस चों तुसी पापी बंदे निकल नहीं सकते ना कोई उड़ाड़ है ना कोई ईडी है ना कोई ए है ना कोई बी है इहदा मुख दोषी बादल है ते नाल बादल नूं बचाउण वाला कैप्टन अमरिंदर जो महीने अठ गुरु कृपा करूगा साढ़े ते गुरु कृपा करूगा असीं इंसाफ लैके देवां नाल उधर कांड दा इंसाफ लवां पंथक जथेबंदियां सारियां सियासी पार्टियां एक दो नूं छड्ड के सारियां एक प्लेटफॉर्म ते ने ते निशाना एक ही है भी जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सज़ा मिले तो दोषियों को बचाने वाले ने उन्हां दी भी पछाण होवे उन्होंने भी सज़ा मिले तो जिन्होंने गोली चलाई उन्होंने सज़ा मिले सो यह जिहड़ा वड्डा जिहड़ा मनोरथ ये सारे अज फैसले दे साड़न दा ही है प्रताप की हुण तक की जांच सी क्योंकि दसवां चलान आना सी उस तो पहला ही हैगा पंधेर वालों जो रिट लाई गई थी हाई कोर्ट वालों फैसला कर दिता तुहानूं की लगता कि अजिहा की सी उसदे विच जिहड़ा सामने आना इस तो पहले जिहड़े राजां चलदे देखो जुडिशियल प्रोसैस नाल मजाक किया है जज ने हजे तो थले कोई लोअर कोर्ट का ही फैसला नहीं आया हायर कोर्ट ने वो तो पहले ही दूजे क्लीन चिट देती जेडे लोगों ने अपील ही नहीं की बादल परिवार ने अपील ही नहीं की कोई अपील होवे उहदे विच फैसला आउंदा है तो उन्होंने क्लीन चिट देती गल क्लीन चिट देनी है गलत है भी जो न्यायिक प्रणाली है वह मजाक उड़िया तो दूजा जिहड़ा है एक भी दोषी अज तक कोई उन्होंने सज़ा नहीं दिती गई कोई शिनाख्ती नहीं हुई तो फिर इस तो बाद की गल हो सकती है जो कुछ बादल परिवार 1.5 साल करता रहा भी असी सिट बनाती असी जी सज़ा दवा रहे हैं पछाण कर ली उ 4 साल इन्होंने लगाते तो फिर इन्हों के उन्होंने फर्क ही होया गल चली सी कि पुलिस अणपछाती है ठीक है पिछले दिन ही अकाली दल के प्रधान ने यूथ प्रधान परमे बंटी रमाणा उन्होंने PC की गई उन्होंने कहा गया कि एक FIR दिखाई गई 129 नंबर वो 22 नेम 7 पुलिस अधिकारियों के सके उन्होंने कहना है कि उस तो बाद जोड़ा है इनू अणछाते किया गया है कि तुम उदो अकाली दल की सरकार में रहे हो कि यह सही से उस समय जी चीज़ हुई है अकाली दल वालों जी 129 नंबर FIR हुई थी नामजद की गई पहला अणपछाते ही सी ये बाद जाके हो मैं लगता बंटी जी की याददाश्त शायद काम नहीं कर रही पहला जिहड़ा है यह अणपछाते किए लोगों ने रौला पाया जिहड़ियां कमिश्नर दी रिपोर्टां आईयां इन्वेस्टिगेशन दी रिपोर्टां उस तो बाद जिहड़े अफसरां नूं पाया गया समा इसे करके सुमेध सिंह सैनी दे उत्ते भी ये वड्डे सवाल खड़े हुए ते अकाली दल दीआं मीटिंगां 'च रौला पाया भी पुलिस वाले किवें अणपछाते हो सकदे आ सो यह हुण आपदे कवर अप करन दी कोशिश कर रहे ने बादल परिवार दी जिहड़ी कोई सरकार च खमियां रहियां उन्होंने हुण बंटी रमाणा जिन्ना मर्जी कवर अप करन कवर नहीं कर सकते 5 साल हो चुके ने हजे तक ये गल करिए इंसाफ नहीं क्योंकि हम सिखों लग रहा है कि सानू इंसाफ मिलेगा पर फिर जांच एंड ते आके जमा एंड ते आके कह सकते रद्द हो गई है तो हुण लगता है कि कोई ऐसा संघर्ष विटना पवेगा तो ही इंसाफ मिलेगा देखो पहली गल तो मैनू कोई बहुत वड्डी उम्मीद नहीं लग रही जिस तरह का हुण तक जे सारे तुसी चीज़ वल निगाह मारो दो कमिशन बैठ गए दो सिटां बैठ गई उस तो बाद CBI की इनकुआरी अड हो गई
पर तुसी दसो किसी नतीजे ते गल पहुंची है। समा इन्निया इनकुआरियां इन्निया सिटा नाल सारा होर गंदला आ गया ते इन्हां नूं मैं समझदा जिहड़ियां दुबारे दुबारे सिटा बन रही है ये एक तरीके दे नाल पिछलियां सिटा दे कम ते सवाल खड़ा करन लई अते जिहड़ियां पिछलियां सिटा दे ने उह हुण वाले ते सवाल खड़ा करनगे भी हुण गलत होया ते इहदे नाल जिहड़े दोषी ने उन्होंने बच निकलना यही 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 हुंदा हैगा। इलेक्शन नेड़े आ रहे लगता है कि कांग्रेसकार भी अकाली दल तरह मूँह दिखाने पऊ क्योंकि अकाली दल भी उस समय बेअदबी करके पिछे गए अज इन्होंने इंसाफ की गल की इंसाफ नहीं दवाया गया। देखो लोग जवाब मंगणगे तो जवाब देना पड़ेगा यह जिहड़ी है बड़ा वड्डा मुद्दा है पंजाब का अज दो ही वड्डे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी दूसरा किसानी का तो दोने मुद्दे जिहड़े ने आउणियां चोणां विच भी लोग इन्हां दा जवाब मंगणगे। आम आदमी पार्टी तो कुलतार सिंह संधवा जी पहुँचे ने संधवा साहब अज के प्रदर्शन बारे सब तो पहले तुहाडा की कहना जी। देखो जी फैसले तो अदालतां गलत गुलत दिंदियां रहिंदियां उन्होंने अगे अपील भी हो जाती है पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चाहिए एक गल सुननी चाहिए है कि गुरु साहब का हुक्म है मानसा क्यों दिबाणो कोई नस भज निकले हर दिबाणो कोई कित्थे जाए जो परमात्मा की कचहरी है ना उचों तुसीं पापी बंदे निकल नहीं सकते। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह गल समझ लेनी चाहिए है और यदा मुख दोषी ना कोई उड़ाड़ है ना कोई ईडी है ना कोई ए है ना कोई बी है यदा मुख दोषी बादल है तो नाल बादल नूं बचाउण वाला कैप्टन अमरिंदर है। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨੇ 84 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਮ ਜਾਏਗਾ ਖੈਰ ਜੋ ਮਹੀਨੇ 8 ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ।